रायबरेली में सांसद सोनिया गांधी केएल शर्मा का बड़ा बयान। रायबरेली में 3 मई को कांग्रेस प्रत्याशी करेगा नामांकन। केएल शर्मा भी प्रत्याशी की हो जाएगी घोषणा। मैं नामांकन की तैयारी के लिए आ रहा हूं रायबरेली। केएल शर्मा रायबरेली के लोगों के साथ मैं चाहता हूं गांधी परिवार लड़े चुनाव। केएल शर्मा रायबरेली की जनता कांग्रेस के साथ है। केएल शर्मा अमेठी व रायबरेली के कार्यकर्ता व पदाधिकारी चुनाव के लिए हैं तैयार। चुनावी समीकरण क्योंकि हम लोग, मैं आज आया हूँ तो आज हमने मैंने अमेठी में भी मीटिंग किया और रायबरेली में मीटिंग किया, क्योंकि अभी हमारे कैंडिडेचर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, वहां से लड़ेगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े तो अच्छा इलेक्शन होगा, हम लोगों के पब्लिक हमारी इलेक्शन लड़ेगी अगर मान लो ये है तो। लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हमको चुनाव नामांकन तो 3 तक ही है तो तैयारी भी तो होनी है, तो आज मैं इस तरह से दोनों जगह तैयारी मीटिंग में आया कि जो निर्णय होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का, उसका हमको नॉमिनेशन तो कराना है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी मीटिंग के लिए आज मीटिंग बुलाई थी। और फिर इलेक्शन को लेके सुझाव हुए तो इन सबका यह है कि जिस तरह जैसे ट्रेडिशनल हम लोग लड़ते हैं तो वही तरीका हमारा बेहतर है, और इस बार समाजवादी के लोग हमारे साथ हैं तो उनकी भी पार्टी को उसी तरीके से लेना है जिस तरह हम कांग्रेस के लिए करते हैं। तो हमारी समन्वय समिति की मीटिंग हो जाएगी, तो पहले हमारे अध्यक्ष जी उनके कार्यालय पे जा रहे हैं, उनके फिर ब्लॉकों तक का हमारा समन्वय रहेगा उनके साथ में, फिर लास्ट में बूथ तक समन्वय रहेगा। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।